नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। हाजिर हूँ आज फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौरवों के मामा शकुनि क्यों रहते थे अपनी बहन गंधारी के घर में, और गंधारी ने क्यों करी थी एक बकरे से शादी। साथियों, इस प्रेरणादायक कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार गंधारी की जन्मपत्री में दो विवाहों का योग था। यह दोष होने के कारण धृतराष्ट्र से विवाह के पूर्व ही गंधारी का विवाह एक बकरे से किया गया था, जिसकी बाद में बलि चढ़ा दी गई थी। कुरुवंश में जब यह ज्ञात हुआ कि गंधारी का पहले विवाह भी हुआ था और जिससे विवाह हुआ उसकी मृत्यु हो गई, तो इस बात को छिपाने के दंड में संपूर्ण राज परिवार को कुरुवंश ने कारावास में डाल दिया। कारावास में उन्हें मात्र एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था, अर्थात उन्हें धीरे धीरे मारने का विचार था, किंतु राजा सुबल और सुधर्मा रानी ने अपने हिस्से का भोजन अपने बेटे शकुनि को दिया और वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। गंधार सुबल नरेश अपने पुत्र से बहुत ही स्नेह करते थे और शकुनि चौसर का कुशल खिलाड़ी था, अतः उन्होंने शकुनि से कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर की अस्थियों से तुम पांसे बना लेना, तुम जो भी कहोगे पांसे उनका पूरा अनुसरण करेंगे। कहते हैं कि शकुनि ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से पांसों का निर्माण किया, जिससे उसके पिता की आत्मा रहती थी। कहीं कहीं इन पांसों को हाथी दांत का भी बताया जाता है, किंतु पिता के अस्थियों के पांसों की बात अधिक सटीक लगती है। भारतीय तंत्र में ऐसा विधान है, यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके शरीर की कुछ विशेष अस्थियों को तंत्र विधि से सिद्ध करके अगर रखा जाए, तो वे अस्थियां उस साधक के आदेश का पालन करने लगती हैं। अतः हिंदू संस्कृति में मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों के विसर्जन करने का विधान है। अपने परिवार की इस तरह मृत्यु होने के पश्चात मात्र वही जीवित बचे, उन्होंने हस्तिनापुर में रहने की स्वीकृति प्राप्त की और फिर सभी का विश्वास जीतने के पश्चात धीरे धीरे कुरुवंश के विनाश का विचार किया। पहले शकुनि मामा ने पांडवों को मारने के लिए बार बार कई विचार रचे, और जब वह सफल नहीं हुए तब उन्होंने धृतकीड़ा को आधार बनाया और युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। सभी जानते हैं कि इस खेल में जीत शकुनि मामा की ही हुई थी, जो कौरवों की ओर से खेल रहे थे। पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि जिन पासों से वह जुआ खेल खेला गया था वह शकुनि के मृत पिता राजा सुबल की अस्थियों के थे, जो कि शकुनि के आदेश का पालन करते थे। जय श्री कृष्ण। साथियों, बहुत बहुत आभार आप लोगों का कहानी के अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।